भोपाल से है, जहां जिला नारकोटिक्स समिति की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। नशे पर अंकुश लगाने का कड़ा फैसला सामने आया। 15 दिन में नशों के ठिकानों को पता लगाने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। साथ ही नशीली दवा के सेवन करने वाले विक्रेताओं पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मेडिकल संचालकों को नारकोटिक्स दवाइयों का रिकॉर्ड रखना होगा और ई सिगरेट के बढ़ते चलन पर अंकुश भी लगाया जाएगा। और साथ ही स्कूलों के बाहर रखी जाएगी बच्चों पर कड़ी नजर। तो स्कूलों के बाहर कैमरे के जरिए बच्चों पर नजर रखी जाएगी, जिसके बाद ये कड़े आदेश जो हैं वो दे दिए गए हैं। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां जिला नारकोटिक्स समिति की बड़ी बैठक में बड़े फैसले और कड़े फैसले लिए गए हैं। तो 15 दिन में नशों के ठिकानों को पता लगाने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया और नशीली दवा के सेवन करने वाले विक्रेताओं पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही स्कूली बच्चों पर भी नजर रखने के आदेश जो हैं वो दे दिए गए हैं। और साथ आपको ये भी बता दें कि कैमरे लगाने के भी निर्देश स्कूलों के बाहर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से, जहां नारकोटिक्स समिति की बड़ी बैठक में फैसला लिया गया है। तो मेडिकल संचालकों को नारकोटिक्स दवाइयों का रिकॉर्ड भी रखना होगा। तो जिला नारकोटिक्स समिति की बड़ी बैठक में फैसला लिया गया। नशे पर अंकुश लगाने का ये कड़ा फैसला सामने आया। साथ ही स्कूली बच्चों पर भी नजर रखी जाएगी, जिसके चलते कैमरे लगाने के आदेश भी स्कूलों के बाहर दे दिए गए हैं। तो नशीली दवा के सेवन करने वाले विक्रेताओं पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरी सहयोगी भोपाल से मितांशी हमारे साथ जुड़ गई है। मितांशी, जिला नारकोटिक समिति की बड़ी बैठक में बड़ा फैसला लिया गया, किस तरह से इस इम्प्लीमेंट को किया जाएगा कि लोग जल्द से जल्द इस कड़े फैसले का पालन करें? अजी देखिए, पूरी तरीके से अंकुश लगाने की तैयारी में है यहाँ पर नशीली दवाओं पर और ऐसे जो चीज़ें हैं जिनसे नशे का सेवन होता है। देखिए, ऐसी चीज़ों को लेकर अगर हम बात करें, लगातार जो है अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है और यहाँ पर 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है कि जहाँ पर भी ई सिगरेट की जो है बिक्री हो रही है, ई सिगरेट की बात करें, अन्य जो नशीली दवाएँ होती है, चाहे चरस, गांजा, अफीम, इनके जो ठिकाने हैं इनको पता लगवाया जाए और ऐसे ठिकानों पर दबिश देकर जो है जल्द से जल्द लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो कि अन्य लोगों को नशे के प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही अब मेडिकल की दुकानों पर भी बिना पर्चे के आपको जो है नशीली दवाएं नहीं मिलेंगी। ऐसी दवाएं जिनका प्रतिबंधित है बाजार में खुलेआम बिक्री करना, उन पर पूरी तरीके से एक रिकॉर्ड लिस्ट बनाई जाएगी और वो मेडिकल संचालक के पास होनी जरूरी होगी, जिससे कि कहीं भी जो है नशीली दवाओं का या ऐसी प्रतिबंधित दवाओं का बिक्री ना हो। देखिए, फिलहाल ऐसा पाया गया है कि जितने भी स्कूल्स हैं वहां पर ई सिगरेट का काफी ज्यादा सेवन हो रहा है। बच्चों के स्कूलों के बाहर जो है ई सिगरेट की बिक्री हो रही है और कई जो है जो एज के बच्चे हैं वो ई सिगरेट पीते हुए पाए गए हैं। इसको लेकर सख्त हिदायत दे दी गई है कि तमाम स्कूलों के बाहर जो है सीसीटीवी फुटेज लगाए जाए, स्कूलों के बाहर निगरानी भी रखी जाए कि अगर कोई भी बच्चा वहाँ पर ई सिगरेट पी रहा है तो उससे ये पूरी तरीके से पूछा जाए कि उनको ई सिगरेट कहाँ से मिली है और कब से वो उस चीज़ का सेवन करते हुए आ रहे हैं। पूरी तरीके से तंबाकू, अफीम और चरस, गांजा को लेकर यहाँ पर रोक लगाने की तैयारी, पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। मितांशी, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर अपडेट ली जाएगी। एक और